नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। श्री विजयनगर मनरेगा श्रमिकों द्वारा मनरेगा में काम की मांग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में किसान नेता शिवपत राम मेघवाल ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार से मनरेगा श्रमिकों को 125 दिन काम देने, मनरेगा का समय 6 से 11 बजे करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर घेरा। यह प्रदर्शन पंचायत समिति से शुरू होकर उपखंड कार्यालय तक रोष मार्च के रूप में पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष गुरमीत कंडियारा, सचिव गुरसेवक ग्रेवाल, पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश, पृथ्वीराज बुड़ानिया, साहब सिंह, पार्षद एडवोकेट भवानी पवार, सुखविंदर सिंह, राणा राम, करण शाक्य, कमल सिंह, गुरेंद्र सिंह, रणबीर गोदारा, अंकुश सोलंकी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष श्रमिक शामिल हुए। उपखंड कार्यालय में प्रवेश करने को लेकर थाना अधिकारी से प्रदर्शनकारियों की तकरार भी हुई। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। श्री विजयनगर से ग्राउंड रिपोर्टर सुरेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। नरेगा में काम दो, काम दो, काम दो। नरेगा में काम दो, काम दो, काम दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेगा में काम दो, काम दो। आज विजयनगर क्षेत्र के अंदर जो मनरेगा बंद पड़ी है, उस बंद मनरेगा के काम को शुरू करवाने के लिए वह मजदूरों को इस भीषण गर्मी के अंदर दो दो बजे तक कार्यस्थल के ऊपर रोका रखा जाता है, काम करते घर जाने की छुट्टी। वह मनरेगा मेड जो बिल्कुल गरीब आदमी है, उसकी एक एक साल से दिहाड़ी का भुगतान नहीं हुआ। इसके विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज विजयनगर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देने के लिए आई और ये चेतावनी देने के लिए आई है कि अगर इन गरीब लोगों की समस्या को नहीं सुना गया तो जल्द ही हम पूरे क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार चला के और प्रशासन के सारे कामकाज को ठप करने का काम करेंगे। मुझे अफसोस है कि पिछले सरकार के कार्यकाल 29 अप्रैल 2016 को यही मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, वसुंधरा जी से ट्वीट करके मांग कर रहे थे कि जी गर्मी बहुत है, मजदूर बड़ा परेशान है, 10 बजे काम करने के बाद में छुट्टी होनी थी। लेकिन आज जब कांग्रेस का राज है, गहलोत खुद मुख्यमंत्री है, गरीब आदमी काम करने के बाद भी एक एक दो दो बजे तक कार्यस्थल के ऊपर उसको रोका रखा जाता है, न उसको पूरा भुगतान दिया जाता। इसलिए ये तीन चार प्रमुख मुद्दों को लेकर आज हमने ये एक सांकेतिक प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर बड़ा संघर्ष है वो हम शुरू करेंगे, ये आज हम कहने के लिए आए।